सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और सुबह का समय अभी करीब करीब 7 बजा है, और कल रात को ही मैं पहुंच गया था जोकथा नाम का जगह, जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर है, जो मिज़ोरम का लास्ट टाउन है ये बोल सकते हैं आप, बॉर्डर से अटच जो है। और मैं रुका हूँ अभी जो मिज़ोरम टूरिस्ट लॉज है, जो मिज़ोरम गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया है टूरिस्ट लोगों के लिए। तो कल रात को मैं यहीं आके रुका, और मैं दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, ये है टूरिस्ट लॉज जोकथार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम। सो ये है टूरिस्ट लॉज, यहाँ का ये बिल्डिंग, और ये है, ये रिसेप्शन है यहाँ। सो कल रात को आया, बहुत ही थक गया था एक्चुअली, 11 घंटा का जर्नी लगातार, क्योंकि रास्ते भी बहुत ख़राब थे और रास्ता वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा, तो इसीलिए मैं रात को आके बहुत थक गया था, खाना वगैरह खा के सो ही गया। उसके बाद फिर अभी जस्ट थोड़ा पहले उठा, और ये देखिए, यहाँ से व्यू नीचे का, और वो उस पर देख सकते हैं, वो म्यांमार है और इस साइड है इंडिया। सो ये पूरा बॉर्डर ही एरिया है, तो कुछ ही देर में जस्ट ब्रेकफास्ट करूँगा, और ब्रेकफास्ट करके आप लोगों को लेके जाऊंगा बॉर्डर, और बॉर्डर पे लोग कैसे रहते हैं और उन लोगों का दिनचर्या कैसा है, और जो सिविल वार चल रहा है म्यांमार में, उसके वजह से क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है या नहीं, ये दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, सो ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी मैं निकल रहा हूँ म्यांमार बॉर्डर को देखने, जो कि मेरा पहला एक एक्सपीरियंस रहेगा ऐसे बॉर्डर देखने का। इससे पहले मैं ऐसे बॉर्डर एरिया पे कहीं गया नहीं हूँ, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ देखने, और जाके आप लोगों को मैं दिखाऊँगा इंडो म्यांमार बॉर्डर। सो देखिए, बॉर्डर पे जैसे लोग किस तरीके से रहते हैं, ये जो इंडियन साइड है तो लोग इस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। ये इन लोगों का घर यहाँ का, ये देखिए, सुबह हो गया यार, सभी लोग अपने काम में लग गए हैं यहाँ पे। तो अभी जाएंगे हम लोग बॉर्डर, जो ब्रिज है वहाँ पे जाएंगे, जो एंट्री ब्रिज है, फिर वहाँ पे जाके फिर देखते हैं क्या करना है। और नीचे देखिए, ये कैंप बना हुआ है, शायद रिफ्यूज़ी कैंप है ये, यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया पे ये बना के रखे हैं यहाँ पे, ये पूरा कैंप, ये देखिए, देख सकते हैं आप। मैं अभी जा रहा हूँ बॉर्डर के सामने नीचे, या हेलो सर, yeah, good morning. So I want to go to Burma side, okay, this side, so Myanmar from side. This side, yeah, from this side. This, oh, what do you want to do there? The lake is there, right? Oh, lake is there, but you know the problem is Myanmar, okay, so civil war is going on. Civil war, yeah, okay, so something may happen
that's why I want to suggest you. Okay. That is not good for good convenient time. Okay. So if you want to go there, we need to convey the condition that side. Okay. So I'm not sure. Okay. Go there. Okay. To take time for what you want to do there. Yeah, just I will go and I will come like this only. Alone. I may get vehicle over there, right? But this is not vehicle service. Some people are there, vehicle service. You can hire. Oh, I can hire it. Yes. Okay. If they want. Okay. I'm not sure. They will go or not, right? Yeah. I'm not sure about that. So is there any this army base camp is also there very near to that lake? Yes. Okay, that's why people are not convenient to go. Yeah, like that. Okay. You did YouTube channel? Yeah, YouTube channel. Okay, very nice. Okay, thank you very much. Okay, this is my suggestion. Yeah, okay, about just our country. Okay, just I will go and check in border. Okay. If it is good, then I will. You can check there, and then you can ask someone to go there. Haha. Okay, vehicle. If you want, if you can hear. Ha. If they want, you can go. Okay. If they don't, I'm then I'm not sure about that. Okay. So, means anytime they will do firing and all like this situation. No, like that. Hmm. It can happen. Okay. Sometimes. I want to tell like that. Okay, accidentally, because situation is not good. Yes. Nowadays. The situation is not very good. Oh, not very good. Okay. And that bomb fell right in India. Which side it is? Last night also fell. Last night also. Yeah, we heard the voice. I mean. Okay. The sound. The sound. Okay. I mean, the sound. Yeah. Like this condition, so. It's not good. Okay. Good convenient time to go there. Okay. I'm not suggest about that. Okay. But if you want, you can ask over there. Someone can hear vehicle. So if you want to talk, if they want to go there, you can go. Okay. Let's check. Okay. Thank you very much. So. ये एक्चुअली यहाँ के जो जो कथार है यहाँ के भैया यहाँ पे सजेस्ट किए कि जाना बेटर नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट नाइट भी यहाँ पे कुछ बॉम्ब वगैरह गिरा था एक्चुअली तो इसके वजह से वार चल ही रहा है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि म्यांमार पे सिविल वार चल रहा है जो म्यांमार मिलिटेंट ग्रुप और जो वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट है जो कि म्यांमार आर्मी ने ओवरटेक कर लिया है गवर्नमेंट को तो इसके वजह से ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि उधर जाइए बोल के इट्स नॉट सेफ हेलो या सो इतना सेफ नहीं है बोल रहे हैं तो चलिए जाके देखते हैं अभी फिलहाल जो ब्रिज है जो बॉर्डर है बॉर्डर एरिया के सामने जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे अगर कोई व्हीकल मिलता है तो जाएंगे अगर कोई जाना चाहता है तो अगर नहीं जाएगा तो फिर हम लोग बॉर्डर को एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे तो ये देखिए मेरे पीछे ये इंडो म्यांमार चेक पोस्ट ये तो उस साइड है म्यांमार और इस साइड है इंडिया सो मैं अभी एंटर कर चुका हूँ म्यांमार के अंदर जो कि एक नदी है नीचे और ये जो ब्रिज बना हुआ है इधर ब्रिज के उस पार है म्यांमार और इस साइड है इंडिया तो मैं अभी नो मैंस लैंड पे हूँ ये एक ब्रिज है यहाँ का रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार ये देखिए
सो म्यांमार में मैं एंट्री कर चुका हूँ अभी, तो देखते हैं यहाँ पे पूछ के किसी का। Up down 10. Thank you, meter. 10 kilometer. Okay. Oh, 6, 7, 8, 9, 10. Time, how much it will take? How much time? How much minute? 20 minutes. Reach? Coming 20 minutes. Oh, 20 minutes. Okay. It's safe? Good? Good. Going? War? No. No war? Okay. Who will go? You? Okay, come. So, मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे एक लेक है जो हार्ट शेप का बना हुआ है वहाँ पे, तो चलिए जाके देखते हैं। और मैं हूँ ऑफिशियली अभी म्यांमार पे, और ये देखिए पूरा म्यांमार पे लिखा हुआ है यहाँ से, तो चलिए जाके देखते हैं। या फाइन, यस गो। सो उस लेक को जाके देख के आते हैं अभी। तो यहाँ पे एक्चुअली सिविल वार चल रहा है म्यांमार पे, तो इसके वजह से इतना सेफ नहीं है, पर मैं रिक्स लेके जा रहा हूँ अभी, देखते हैं भगवान भरोसे। बहुत ही हाइट पे है, और ये देखिए म्यांमार का घर, म्यांमार के अंदर घर कैसे होते हैं। और हम लोग जा रहे हैं वो लेक जो हार्ट शेप का बना हुआ है, वी लेक बोलते हैं लोकल नेम, और दिल लेक भी बोलते हैं इसको क्योंकि हार्ट शेप का बना हुआ है इसीलिए। तो चलिए जाके देखते हैं इस खूबसूरत लेक को म्यांमार के अंदर। अच्छा है, वेरी नाइस, सुंदर है। हाँ, सो हम लोग पहुंच गए हैं अभी जो रे लेक है म्यांमार पे, और ये देखिए ये है रे लेक म्यांमार का, और ये लेक जो है एक्चुअली जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये दिल शेप का दिखाई देगा आपको पूरा। सो अभी एक्चुअली यहाँ पे सिविल वार चल रहा है, इसके वजह से ड्रोन वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है, और अलग ही एक शांति है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे सिविल वार चल रहा है, पर आप जब म्यांमार में आप घुसेंगे तो देखेंगे कि एक्सपीरियंस करेंगे, लोग बहुत फ्रेंडली है यहाँ के, हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और जो टू व्हीलर टैक्सी वगैरह भी वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे इतना लोग समझते नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं कम्युनिकेट, इतना दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को।
तो मेरे पीछे जो है म्यांमार आर्मी का कैंप है मेरे ऊपर एक्चुअली। सो वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो जो भाई साहब है इन्होंने ये शूट करने को मना किया है पीछे का। तो ऊपर कैंप बना हुआ है म्यांमार आर्मी का, तो अभी तो पूरा वार ही चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा देर हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, तो जल्दी अभी निकल जाएंगे। इन्होंने सजेस्ट किया कि थोड़ा जल्दी निकल जाइए बोल के। तो चलिए, ये दिखा दिया मैंने री लेक जो कि म्यांमार पे है, तो अभी हम लोग निकलेंगे फिर यहाँ से। हाँ या उई 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 कॉम कॉम ओ बोट 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 आ। और ये देखिए ये बोट है, यहाँ चला के जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन इतना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग जाएंगे नहीं नीचे। और बोट पे भी देखिए पानी भरा हुआ है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि इन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी निकलिए यहाँ से, क्योंकि ऊपर कैंप वगैरह भी बना हुआ है, तो ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसीलिए। तो हम लोग बाहर के वजह से देखिए बहुत सारे लोग भी यहाँ से एक्चुअली माइग्रेट हो गए हैं, दूसरे जगह चले गए हैं, तो ज़्यादातर घर आपको बंद ही देखने को मिलेगा यहाँ पे, इतने लोग हैं नहीं यहाँ। और जस्ट जो बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो ये आपका री सिटी है, ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो कि म्यांमार पे है। बहुत ही सुंदर जगह है के लिए, देखिए देखने में ऐसे लगता नहीं कि यहाँ पे वार हो रहा होगा कुछ है, बहुत शांत जगह है और बहुत खूबसूरत एरिया है ये, इसके वजह से। पर जस्ट वार के वजह से यहाँ थोड़ा लोगों का दिक्कत हो जाता है, लेकिन वैसे तो जगह बहुत खूबसूरत जगह है, लोग भी बहुत यहाँ के अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को लोगों से कोई प्रॉब्लम है, जस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट और जो रूलिंग गवर्नमेंट है आर्मी लोगों का और जो यहाँ के मिलिटेंट ग्रुप है उन दोनों के बीच ही वार है, तो इसके वजह से लोगों को यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो ये है देखिए म्यांमार का पैसा, म्यांमार पैसा 10,000 कियट्स कियट्स ओके। इंडियन रुपी हाउ मच? इंडियन रुपी तुम 300 इंडियन रुपीस 300। और ये जो 10,000 म्यांमार बनी है इसका 300 रुपया इंडियन मनी में होगा, ये 5,000 ओके नाइस 1,000 या दिस 5,000। सो ये म्यांमार का पैसा मैं लेके जा रहा हूँ जो 200 रुपया है इंडियन करेंसी में। ओके थैंक यू फिनिश म्यांमार मनी ऑल्सो ओके। सो म्यांमार मनी भी ले लिया हूँ मैं, और आज म्यांमार को भी देख लिया, तो अभी फिर से जाएंगे बॉर्डर के अंदर, इंडियन बॉर्डर के अंदर। सो आप लोगों को थोड़ा मार्केट में दिखा देता हूँ मार्केट का ये व्यू। ये है म्यांमार का मार्केट, देखिए ये
लोकल मार्केट यहाँ का जो ये सिटी है बॉर्डर एरिया का, सो यहाँ के मार्केट ऐसे होते हैं। देखिए बहुत सारे सामान आप लोगों को सभी चीज़ मिलेंगे यहाँ पे। चाय जुन ट्रेंगे और यहाँ पे ना दारू का दुकान भाई बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए बड़े बड़े कपड़े वगैरह के दुकान पूरा यहाँ पे। यहाँ कुछ बना रहे हैं भाई साहब। हेलो कुकिंग चिकन ना बीफ ओके। ये पान का शॉप यहाँ। बहुत ही अलग जगह है ये मार्केट भी, पूरे वेल सेटल मार्केट है यार। सभी चीज़ के दुकान यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को, मोबाइल वगैरह सभी चीज़ के। फिलहाल प्यास लगा है तो कुछ पी लेता हूँ मैं अभी। हाउ मच ड्रिंक, हाउ मच ताकत, इंडियन रुपी सुनवा 50 ओके थैंक यू। वन ग्लास सो गन्ने का जूस यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये पी लेता हूँ। 40 रुपया का एक ग्लास। जूस म्यांमार पे गन्ना का जूस पी रहा हूँ। सो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से फिर से अंदर। रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार देखिए मेरे पीछे। मेरा कॉफ़ी सो कॉफ़ी पी के फिर मैं निकलूँगा अपने लॉज के तरफ। बहुत ही गर्मी है एक्चुअली यहाँ से, इतना ज़्यादा धूप दे रहा है कि क्या बताएं। धूप से गर्मी से हालत ख़राब हो जा रहा है पूरा। सो मेरा जो ये स्ट्रेप था ये एक्चुअली थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए मैं नया स्ट्रेप ले रहा हूँ यहाँ पे। सो ये न्यू स्ट्रेप, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू। ओके सो
और मिज़ोरम पे जो है जो सुअर पालन है ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग सुअर के मांस बहुत खाते हैं, यहाँ पे जो पोर्क मीट है बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। तो सभी जगह यहाँ ये गांव में आप देख सकते हैं सभी घर के नीचे इस टाइप बनाया हुआ है कि सुअर भी पाल ले यहाँ पे। और मैं पहुँच गया अपना लॉज और यहाँ पे देखिए ये लिखा है कॉन्डोम सेक्स HIV ICTC। सो एक्चुअली क्या है कि मिज़ोरम में सभी जगह आप लोगों को इस टाइप का बोर्ड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एड्स जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ के लोग जो है इस इन्फेक्टेड इस बीमारी से। इसी वजह से सभी जगह आप लोगों को इस तरीका का बैनर मिल जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मैं पहुंच गया अपना लॉज अभी, और तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ म्यांमार बॉर्डर का। तो कल देखते हैं कहाँ के लिए निकलेंगे, और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और उत्साहित हो सकूं। और आप लोगों का कमेंट एक्चुअली मुझे नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, बहुत सारे ऐसे वीडियो है कि किसी में तो एक भी कमेंट नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है ताकि मैं और अपने ब्लॉग को इम्प्रूव कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे बढ़ पाऊँ जो जर्नी मैंने शुरू किया है। तो थैंक यू वेरी मच, ये था म्यांमार इंडो म्यांमार बॉर्डर का ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, थैंक यू वेरी मच।